नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासिकल टेक्निकल पॉइंट चैनल पर। आज मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपके दुर्भाग्य को बदल कर रख देंगी। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी बातें दी हुई हैं जिन्हें आप अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घर में प्रयोग होने वाली झाड़ू के बारे में। दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। आप झाड़ू को कभी भी खुले में ना रखें जिससे उस पर किसी की नजर पड़े, क्योंकि कोई भी धन को खुले हुए में नहीं रखता है। झाड़ू को कभी भी रसोई में भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को आप किसी कोने में या किसी चीज से ढककर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम जब भी अपने घरों में झाड़ू लगाते हैं तो अंदर से लेके और मुख्य द्वार की तरफ लगाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। झाड़ू को हमें मुख्य द्वार से शुरू करके अंदर की तरफ को लगाना चाहिए, जिससे धन का प्रवाह बढ़े। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं शीशे की। हमें अपने घरों में टूटा हुआ शीशा या कोई भी कांच का टूटा हुआ सामान नहीं रखना चाहिए। यह दुर्भाग्य की निशानी होता है। यह घरेलू कलेश एवं बीमारियों को बढ़ावा देता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं मकड़ी के जालों की। हम सभी जानते हैं मकड़ियां ऐसी जगह में अपना जाला बनाती हैं जो वीरान सी जगह होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। इसका ध्यान रखें कि घर में किसी भी कोने में या किसी भी जगह पर जाले न हो पाए, उनकी समय समय पर सफाई करते रहें। नंबर चार पर हैं सूखे और मुरझाए हुए फूल। हमें अपने घर में कभी भी सूखे और मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। हमेशा ताजी फूलों का प्रयोग करना चाहिए। सूखे तथा मुरझाए हुए फूल हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं। नंबर पांच पर आता है कबूतर का घोंसला या मधुमक्खी का छत्ता। ये अस्थिरता यानी इनस्टेबिलिटी और निर्धनता को बढ़ावा देते हैं। नंबर छह पर है स्नान घर या शौचालय का दरवाजा हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें यूज करने के बाद दरवाजे को बंद करके रखना चाहिए। इनके खुले होने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर सात पर है दीवारों या छत पर जो पपड़ी झड़ने लगती है उसे हमें ठीक करना होगा, क्योंकि ये भी दुर्भाग्य की निशानी होती है। नंबर आठ पर है रसोई घर व गैस चूल्हे या जो भी चूल्हा हम यूज करते हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए। जैसे गैस के बर्नर्स हैं तो उन पर जंग हो जाती है या वो गंदे हो जाते हैं, तो उनको समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। नंबर नौ पर हैं कांटेदार व सफ़ेद लिक्विड यानी दूध निकालने वाले पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए। नंबर 10 पर है घर में लगे हुए नल या टंकियों से पानी नहीं टपकना चाहिए तथा घर में सीलन नहीं आनी चाहिए। इससे पैसे की वेस्टेज बढ़ जाती है तथा पैसा घर में नहीं रुकता है। नंबर 11 बंद पड़ी हुई घड़ियां या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी खराब सामान हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए या उसे ठीक करा लेना चाहिए। नंबर 12 पर है हम घरों की छत पर टूटा फूटा खराब या जो यूजलेस सामान है उसे डाल देते हैं। उस सामान को हमें अपनी घर की छतों पर नहीं रखना चाहिए। यह बेकार पड़ा हुआ सामान भी हमारी निर्धनता का कारण बन सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखें।